पैदा पहुंचे, लिहाजा इन इलाके वास्ते स्पेशल ग्रांट पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत दे रहा और असा की कश्मीरिया ने बराबर करे, असा की कश्मीरिया ना मजारे ना बनाया जाए, साढ़े भरा नो भरा बन के रह, एक जहा खान एक जहा पीण, साढ़े तो अगे जड़ा है उन्हें कि ना खड़ा जाए क्योंकि साढ़े वास्ते नाकाबले बर्दाश्त है। मेरा तलक यूनियन काउंसिल समोट से है, हल्का PP2 जहाँ से इस टाइम कर्नल शबीर ऐवान साहब MPA हैं। मेरा तल्लक तहरीक इंसाफ से है, मैं शंगरीला गांव के तमाम मसाइल के साथ मेरे तमाम साथियों ने आगाह किया हुआ है। मुझे एहसास है कि शंगरीला गांव में साफ पानी भी मुहैया नहीं है, अस्पताल है अंदर अमला कोई, ये उस टाइम तक ये लोग नहीं, इनको पता नहीं चल सकता जिस टाइम तक ये आम आवाम के साथ आके बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहलियाने मौजा पालिमा थुब्बा संगरीला और तरनी, हम उनको यहाँ पे प्रेस क्लब कलर सीधा के सामने खुश आमदीद कहते हैं। पहले भी कलर सीधा के सहाफियों ने बनफसे नफीस खुद जाकर वहाँ के हालात का मुशाहिदा किया और उसको मीडिया की जीनत बनाया, अरबाबे इख्तियारो इक्तदार के सामने ये मसला हम लाए कि एक ऐसा इलाका जो यूनियन काउंसिल समोट तहसील कल्लर सईदा में वाक़े है, वहाँ में वहाँ पे चलने के लिए सड़क है ना, पीने के लिए पानी, स्कूल मौजूद है लेकिन उस्ताद नहीं। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने कहा था कि वहाँ के जो तलबा हैं वो एक इमारत को स्कूल के नाम से तो जानते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये इमारत किस मकसद के लिए यहाँ पे तामीर की गई है। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और इस मुतालबे को हम सब मिलकर ऐवान बाला ऐवान इक्तदार में बैठे हुए उन बड़ी बड़ी पुजारों में घूमने वालों के गोश गुजार कर रहे हैं कि खुदा के लिए इधर भी निगाहें करम चलते चलते। बहुत शुक्रिया।